नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अर्थ प्रकाश टीवी। मोदी ने मामले को लेकर की गई राहुल गांधी की टिप्पणी मामले में सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी माना है। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब गांधी परिवार कटघरे में खड़ा हुआ है। इससे पहले भी कई बार गांधी परिवार को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। चलिए तारीखों पर नजर डालते हैं। 12 जून 1975 सुबह 10 बज रहे थे और इलाहाबाद के हाई कोर्ट के कमरा नंबर 24 जो था वो खचाखच भरा हुआ था। थोड़ी ही देर में आने वाला था एक ऐतिहासिक फैसला जो अगले ही पल देश की राजनीति को बदल के रख देता। जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने कई देर बैठकर विचार किया, उसके बाद एक ऐसा फैसला दे डाला जो पूरी राजनीति को बदल के रख रहा था। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपना सिर ऊपर किया और उन्होंने कहा, रायबरेली में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी धांधली के मामले में दोषी मानी जाती है, उनका चुनाव रद्द किया जाता है। इसके बाद क्या हुआ वह सब इतिहास है। आप सोचने पर मजबूर हैं कि आज के टाइम में इंदिरा गांधी का वो पुराना मामला क्यों व्यक्त किया जा रहा है या क्यों उस पर डिस्कशन की जा रही है। उसका भी जवाब आपको देते चलते हैं। 48 साल पहले के इस मामले को आज फिर याद करने की क्या जरूरत आन पड़ी है। ना तो आज पूर्व पीएम की जयंती है, ना ही बरसी और ना ही आपातकालीन के वे काले दिन जिसे याद करना फिर से चाहेंगे। वजह यह है कि आज इसी गांधी परिवार का एक और सदस्य देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राहुल गांधी का मामला कोर्ट में था और मोदी सरनेम को लेकर की गई उनकी टिप्पणी पर 2 साल की सजा भी सुना दी। हालांकि उन्हें तुरंत बेल भी मिल गई। अब इस मामले के बाद वो फाइलें भी देख लेते हैं जिसमें दर्ज है गांधी परिवार के किस किस सदस्य पर कौन कौन से मामले की सुनवाई जारी है और अब किसे किन मामले में दोषी पाया गया है। पहले पूर्व पीएम इंदिरा गांधी वाले मामले पर एक बार नजर डाल लेते हैं। उनकी कहानी की शुरुआत 1971 से शुरू होती है। इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव में रायबरेली से जीत हासिल करी थी। उसकी जीत को उनके जो कॉम्पिटिटर थे राजनारायण ने कोर्ट में चुनौती दे डाली। इस मुद्दे को अखबारों ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के नाम से खूब छापा। इस हार के बाद राजनारायण कोर्ट की शरण में गए और इंदिरा गांधी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। 12 जून 1975 को पूर्व पीएम को इस मामले में दोषी पाया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार को मानहानि के मामले में दोषी पाए गए, लेकिन उन पर अभी कोई ऐसे मामले हैं जो आज भी चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो मामला है वो है 2019 में, जब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे तब चौकीदार चोर है इस बयान को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी भी मांगी थी। राहुल ने अवमानना के मामले में पहले दायर किए गए 2 हलफनामों में सिर्फ खेद जताया था। इस पर कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत में मौखिक रूप से माफी मांगी थी। साल 2014 में राहुल गांधी आरएसएस को लेकर की गई टिप्पणी में बुरे फंसे थे। आरएसएस के एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में ठाणे में भिवंडी के अंदर कांग्रेस नेता के भाषण को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें कांग्रेस नेता ने महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ होने का आरोप लगाया था। कुंटे ने दावा किया है कि इस बयान के जरिए आरएसएस की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है। इस मामले में भिवंडी की अदालत में 2018 में आरोप तय किए गए थे। अभी फरवरी 2023 में इस केस की बहस हुई जिसमें राहुल गांधी ने व्यक्तिगत पेशी से छुट्टी मांगी थी। साल 2018 के कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने बयान दिया था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है, यह बीजेपी में ही पॉसिबल है। उनकी इस टिप्पणी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मानहानि के तौर पर देखा गया। राहुल गांधी ने इस बयान के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज की, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस मामले की हफ्ते भर पहले ही सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को दी राहत बरकरार रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल 2019 में ही चुनाव आयोग में दायर राहुल गांधी के हलफनामे के मुताबिक उन पर 5 केस जो जारी हैं, इस मामले में सुनवाई आज भी चल रही है। यह तो थी राहुल गांधी की बात। गांधी परिवार के कांग्रेस की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी भी कई मामलों में उनके ऊपर भी आज तक सुनवाई चल रही है, जिसमें सबसे बड़ा मामला नेशनल हैरेसमेंट केस का है।
इसको लेकर ईडी की जांच अभी भी जारी है। दिसंबर 2015 में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 50,000 रुपए की जमानत दी। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी जांच का सामना कर रहे हैं। बीकानेर में 275 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले की जांच ईडी आज भी कर रही है। इस जमीन को बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित लोगों के लिए अलॉट किया गया था, लेकिन इसे गलत तरीके से खरीदा गया। बीकानेर लैंड डील मामले में जोधपुर कोर्ट में आज भी सुनवाई चल रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।